नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देश में कोरोना का कहर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को कोरोना वायरस के मामलों ने नया रिकॉर्ड बनाया। बीते 24 घंटे में कोविड 19 के 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आए। इससे पहले सिर्फ अमेरिका में ही एक दिन में 4 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस के कुल 4,02,351 मामले सामने आए। इसी के साथ भारत ने कोरोना प्रभावित अन्य देशों को मीलों पीछे छोड़ दिया। देश में 22 अप्रैल से रोजाना कोरोना संक्रमण के 3 लाख मामले सामने आ रहे थे। तब इनसे अमेरिका में इस साल 8 जनवरी को किसी एक दिन में आए 3,07,516 मामलों को भी पीछे छोड़ दिया था। अभी आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। बात करें सहारनपुर की, सहारनपुर में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हर रोज नए संक्रमितों के साथ साथ मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आज स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सहारनपुर में 398 नए संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद ये बढ़कर आंकड़ा 17,465 पहुंच गया, जो कि काफी चिंताजनक है। वहीं राहत की बात ये रही कि आज 342 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। अब जनपद में एक्टिव केस की संख्या 4,068 है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। मौत के आंकड़ों की बात करें तो आज हमें अलग अलग शमशान घाटों से मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि सहारनपुर में आज कोरोना से 14 मौतें दर्ज हुई, जिनमें से 2 मरीजों का अंतिम संस्कार नुमाइश कैंप स्थित शमशान घाट में किया गया। वहीं 6 मरीजों का अंबाला रोड स्थित, 5 का हकीकत नगर, वहीं वह अन्य 1 मरीज का अंतिम संस्कार कलसिया रोड स्थित कब्रिस्तान में किया गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं सहारनपुर में हर रोज मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है, इसीलिए सावधानी जरूर बरतें। कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरतें। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें। ये अपडेट अपने व्हाट्सएप नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को ये सूचना मिल सके। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एक बार फिर लौटेंगे नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद।